प्रेगनेंसी एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है और इस दौरान प्रेग्नेंट महिलाओं के कई सारे सवाल होते हैं, खासकर बात जब पोषण की आती हो। और इस दौरान सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में से एक होता है प्रोटीन। लेकिन क्यों प्रेगनेंसी के दौरान प्रोटीन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? प्रेगनेंसी के दौरान प्रोटीन आपके बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपके बच्चे की मसल्स, स्किन और ऑर्गन डेवलपमेंट से लेकर ब्रेन डेवलपमेंट तक प्रोटीन एक बहुत ही वाइटल न्यूट्रिएंट होता है। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है उसकी प्रोटीन की जरूरत भी बढ़ती जाती है। प्रोटीन नई कोशिकाओं के निर्माण में, एंजाइम्स और हार्मोन के निर्माण में मदद करता है। जब आप प्रेगनेंसी के अलग अलग स्टेजेस से गुजरती है तो ये आपके शरीर की जरूरतों को पूरा करता है, जिससे आपको स्ट्रांग और हेल्दी रहने में मदद मिलती है। तो अब बात आती है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको कितना प्रोटीन लेना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं को पर डे 70 से 100 ग्राम प्रोटीन लेने का लक्ष्य रखना चाहिए। लेकिन ये आपके वेट, आपके एक्टिविटी लेवल और आप प्रेगनेंसी के कौन से ट्राइमेस्टर में हैं उसके अकॉर्डिंग वेरी कर सकता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान अपनी प्रोटीन के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आप डेयरी प्रोडक्ट्स, नट्स, बीन्स या सोय प्रोडक्ट्स लेने के बारे में सोच सकती है। प्रेगनेंसी के दौरान आपकी प्रोटीन की जरूरतों को पूरा करना सिर्फ आपके बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में ही नहीं है, ये आपको हेल्दी रखने के बारे में भी है। प्रेगनेंसी के दौरान पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन का सेवन आपकी प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क को कम करने में मदद करता है, प्लस ये आपको हेल्दी वेट गेन करने में भी हेल्प करता है। ये जेस्टेशनल डायबिटीज से प्रिवेंट करने में, सूजन को कम करने में और पोस्टपार्टम रिकवरी में भी हेल्प करता है।